बात है, आज ग्रेटर नोएडा में 24 तारीख हो चुकी है और दीपावली के मात्र 2 दिन रह रहे हैं और हमारा जो सफाई कर्मचारी यहाँ पे स्टाफ है बाल्मीक समाज, उसका अभी तक ना कोई सैलरी हो पाई है ना ही कोई बोनस हो पाया है। तो भाइयों बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है, आज 24 तारीख हो चुकी है, कोई बोनस नहीं मिला है अभी तक, ना कोई सैलरी मिली है और यहाँ पे कम से कम 1500 कर्मचारी काम कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा में, करीबन 20-25 साल हो चुके हैं यहाँ पे, कोई हमारा जो सफाई कर्मचारी अभी तक परमानेंट भी नहीं है। तो भाइयों मैं ये लूज वाले जो हमारे भाइयों से कहना चाहूँगा कि हमारी इस लूज को आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक बढ़ाएँ और दिल्ली केंद्र सरकार तक पहुँचाएँ। जय हिंद जय भारत। आप जो यहाँ पे ये आपने स्ट्राइक कर रखी है, किस विषय में कर रखी है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, किस विषय में आपने स्ट्राइक किया है? जी मैं रणवीर जंगारा, गांव बेगमाबाद, पोस्ट एवर, डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर से, उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष, और यहाँ पे जितने भी साथी हैं सब हमारे सफाई विभाग से संबंधित हैं। करीबन इन कर्मचारियों को 20-25 वर्ष कार्य करते हुए हो चुके हैं और इनके साथ में बहुत ही ज़्यादा इनका शोषण हो रहा है, क्योंकि जिला गौतम बुद्ध नगर में 3 प्राधिकरण हैं और तीनों प्राधिकरण एक ही नियम कायदा कानून के तहत बसे हुए हैं। नोएडा में कर्मचारी परमानेंट भी हैं, स्थायी भी हैं, 2.5% पे भी और ठेकेदारी प्रथा में भी, वहाँ पे ऐसा कौन सा नियम है जो ग्रेटर नोएडा में लागू नहीं किया जा रहा है? वहाँ पे परमानेंट है तो यहाँ पे परमानेंट कर्मचारी क्यों नहीं है? वहाँ पे स्थाई है तो यहाँ पे स्थाई क्यों नहीं है? वहाँ पे कर्मचारियों को 2.5% वालों को जो हमारे साथ में कभी लगे हुए थे उनको 1850 रुपये मिलते थे, हमें 2250 रुपये मिलते थे, आज उनको 16,500 रुपये पेमेंट मिलती है और हमें 11,000 रुपये पेमेंट मिलती है। और आदरणीय जी हमारे साथ में जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे हमें सबको वंचित रखा जाता है, उन्हें हमें कोई सुविधा नहीं दी जाती है, आए दिन हमें हड़ताल करनी पड़ती है, बिना हड़ताल के हमारी पेमेंट नहीं बढ़ती है, हर हड़ताल करके ही हमें कोई ना कोई हासिल करना पड़ता है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सबके लिए बोनस लागू किया है, उस बोनस के लिए भी अब दीपावली के 2 दिन रह चुके हैं, उसके लिए भी हमें यहाँ गिड़गिड़ाना पड़ रहा है और हमें बोनस नहीं दिया जा रहा है। तो हमारी यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, कोई भी अधिकारी है उससे बातें करते हैं तो वो अच्छे तरीक़े से हमसे बात ही नहीं करता है, कहता है कि तुम ठेकेदारी के आदमी हो चले जाइए यहाँ, जबकि यहाँ पर कितने ठेकेदार आए हैं, कितने ठेकेदार जा चुके हैं और हम लगातार कार्य करते रहते हैं, ठेकेदार बदलते रहते हैं लेकिन हमारी लेबर वही यही है और बराबर 20 वर्षों से कार्य करती आ रही है। इसलिए हम ये गुहार करते हैं मीडिया से कि जो भी जितनी भी मीडिया हैं हिंदुस्तान की हमारी बात सुने। समता आवाज़ टीवी की आपसे गुजारिश है, समता आवाज़ टीवी को जीवित रखने के लिए, समता आवाज़ टीवी को बचाने के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और उसके बराबर में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी जो नई अपडेट्स है वो आपको तुरंत मिलती रहे। समता आवाज़ की आपसे पुनः गुजारिश है, समता आवाज़ टीवी की हर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।